फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ चांदनी। कैसे हैं आप लोग? सो गाइस, आज आप लोगों के साथ में मेरा कोई डेली रूटीन का ब्लॉग लेके नहीं आई हूँ। मेरा खुद का जो एक्सपीरियंस है, मैं वो आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जैसे और भी कई सारी ऐसी लेडीज हैं जिनको शायद मेरे इस वीडियो से थोड़ा बहुत भी हेल्प मिल सके। तो ज्यादा देर ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगता है। और प्लीज मेरे साथ में बने रहिए और मुझे प्लीज सपोर्ट कीजिए ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ वो है पीसीओडी। ओके, पीसीओडी ये तो पता है, मैं इस टॉपिक पे बात नहीं करने वाली कि पीसीओडी के बाद कंसीव कैसे करें, पीसीओडी होने के बाद कंसीव कैसे करें। ठीक है, ये टॉपिक पे ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस बन चुके हैं। मुझे लगा कि ये तो वीडियो बन चुका है, बट पीसीओडी आफ्टर प्रेगनेंसी के बाद भी क्या आपको पीसीओडी की प्रॉब्लम होती है? तो जस्ट मैं यही टॉपिक आप लोगों के लिए लेके आई हूँ फ्रेंड्स, की जो हमारी जो पीसीओडी की प्रॉब्लम जो होती है, जो अभी के टाइम में आई थिंक 100 में से 70-80% जो लेडीज हैं वो पीसीओडी की प्रॉब्लम से अभी सफर कर रहे हैं। ठीक है, जिसकी वजह से उनको काफी कुछ फेस करना पड़ रहा है। एक तो पीसीओडी होती है तो सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि आप कंसीव नहीं कर पाते हो। ज्यादातर प्रॉब्लम्स यही हो रही हैं कि जिन लेडीजों को आफ्टर मैरिज की बात कर रही हूं मैं, मतलब अभी के टाइम में तो ऐसा हो गया है कि जो लड़कियां होती हैं, 17-18 साल की लड़कियां होती है, उनको भी पीसीओडी की प्रॉब्लम आजकल देखने को मिल रही है। तो जस्ट मैं उन लोगों की बात नहीं कर रही हूं, मैं लेडीज की बात कर रही हूँ जिनकी शादी हो चुकी है। तो मोस्टली क्या होता है कि जिनको पीसीओडी की प्रॉब्लम होती है, तो उनको, मैंने देखा, मेरे केस में ये हुआ था कि मुझे पीसीओडी की प्रॉब्लम थी और साथ ही साथ मुझे थायराइड को भी प्रॉब्लम था। थायराइड मेरा ज्यादा हाई लेवल नहीं था, रेंज में था मेरा, ऐसा था। तो फिर पीसीओडी का ये था कि उसमें आपका एक तो वेट गेन होगा, ठीक है, और वेट गेन तो ऑटोमेटिकली आपका वेट जो है मंथ वाइज तो नहीं बोलना चाहिए, वो गेन होते चले जाता होते जाते। सबसे उसमें मेन टॉपिक वो होता है बॉडी में जो चेंजेस होते हैं, हार्मोनल चेंजेस होता है। पीसीओडी का एक होता ही है कि पॉलीसिस्ट ओवरी डिसऑर्डर, ठीक है। तो फिर डिसऑर्डर में सी हमको कोई बीमारी नहीं है, ये बस हमारी बॉडी का एक हार्मोन्स का ऐसा एक पार्ट होता है जो एक टाइम में, बोलना चाहिए एक टाइम के बाद, वो हार्मोन्स में हमारे कई तरह के चेंजेस होते रहते हैं। तो बस उन्हीं एक चेंजेस में से हमारा एक पीसीओडी भी है। तो गाइस, अभी तक बहुत सारे वीडियोस जो पीसीओडी के लिए बने हैं, लेकिन मैं बना रही हूँ पीसीओडी के प्रेगनेंसी के बाद का, डिलीवरी के बाद का पीसीओडी वुमेन्स में होता है कि नहीं। ओके, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि मेरे टाइम में यह हुआ था कि मुझे पीसीओडी का प्रॉब्लम लास्ट 4 साल से था और मैं कंसीव नहीं कर पा रही थी। खैर, 3 साल तो मैंने हम लोगों ने कोशिश ही नहीं किया था। मीन्स हम चाहते ही नहीं थे कि 3 साल हमारा बेबी हो, क्योंकि हमको अपना फ्यूचर सेट करना था। तो हम लोगों ने कभी इस चीज के बारे में सोचा ही नहीं। मेरा पीसीओडी की प्रॉब्लम लास्ट 2 ईयर्स से थी आई थिंक मुझे, सॉरी। तो फिर उसके बाद जब मुझे पता चला कि मुझे पीसीओडी की प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर ने मुझे बताया कि ये जो है वो डिलीवरी के बाद, जब आप कंसीव कर लोगे तो डिलीवरी के बाद सब कुछ खत्म हो जाने वाला है, जैसे आपका नॉर्मल जैसे पीरियड्स चलता था बस वैसे ही चलने वाला है। तो यस गाइस, ऐसा होता ही है। मुझे नहीं मालूम था क्योंकि मैंने तो ये चीजें फेस नहीं करी थी, क्योंकि अभी जब वो चीजें मैं फेस कर रही हूँ, इसलिए मुझे लगा कि आप लोगों के सामने मैं ये वीडियो छोटा सा लेके आऊं। तो गाइस, क्या होता है कि पीसीओडी हो जाए, तो फ्रेंड पीसीओडी में क्या होता है, पॉलीसिस्ट में क्या होता है कि जो फीमेल का जो हार्मोन्स रहता है, वो फीमेल्स का हार्मोन्स में क्या होता है कि कुछ परसेंट जो होता है वो मेल हार्मोन्स भी होता है, जिसमें मेल हार्मोन्स एंड्रोजन का जब लेवल जो है वो बढ़ जाता है, जिसमें हमारे ओवरी में छोटे छोटे सिस्ट बनने लगते हैं जिसको फॉलिकल्स भी बोलते हैं ना, तो वो फॉलिकल्स का जो साइज है, जो उसका एक्चुअल साइज है, वो ना होके वो छोटे छोटे साइजों में बनता है जो कि इमेच्योर रहता है। तो हमारा जो पीरियड का जो साइकिल होता है वो 28 डेज का होता है, तो वो 28 डेज तक वो जो फॉलिकल्स का रहता है छोटे छोटे साइज में ही रहता है, वो बड़े हो ही नहीं पाते। जब तक कि वो बड़ा होगा नहीं, वो फॉलिकल्स फूटेंगे नहीं, तब तक के हमारा पीरियड्स आएगा नहीं। तो यही एक रीजन है कि हमारे शरीर में
मेल हार्मोन्स के जो एंड्रोजन लेवल है वो बढ़ जाता है और फॉलिकल्स का साइज छोटा होता है, बड़ा नहीं होता है, जिसकी वजह से हमारे जो पीरियड्स है वो इरेगुलर आने लगते हैं। ओके, और यही एक रीजन है कि हम कंसीव नहीं कर पाते हैं। कंसीव नहीं कर पाते इसके लिए हमारी मेडिसिन चलती है, सब कुछ चलता है। एक बार आप कंसीव कर लिए तो हमेशा के लिए आपका पीसीओडी का जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाता है। मैं भी ये चीज, मुझे मेरे माइंड में यही था कि अगर मेरा कंसीव हो जाता तो क्या डिलीवरी के बाद भी, प्रेगनेंसी के बाद भी क्या मुझे पीसीओडी की प्रॉब्लम होनी है। ये चीज मेरे माइंड में बहुत ज्यादा क्वेश्चन करता था। तो लेकिन ये चीज का आंसर आपको तभी मिलेगा जब आप कंसीव कर लोगे, जब आप बेबी डिलीवर कर लोगे, उसके बाद आपको पता चलेगा जब आपका पीरियड आना स्टार्ट हो जाएगा। तो यस गाइस, यहां पे मेरे साथ में यही हुआ कि जब मेरा पीरियड आना डिलीवरी हो गई, उसके चार महीने बाद से मेरा पीरियड स्टार्ट हो गया था और मुझे लगा कि चलो अभी तो आ रहा है बट नेक्स्ट मंथ आएगा कि नहीं, इस चीज के लिए मैं श्योर नहीं थी। उसके बाद वो ऑटोमेटिकली मीन्स एक रूटीन उसका बन गया, अगर 15 को आना है तो वो 15 को ही पीरियड आएगा, 16 को आना है 16 को ही आएगा। तो यस, पीसीओडी जो होता है, पीसीओडी की जो प्रॉब्लम होती है वो हमारी प्रेगनेंसी के बाद खत्म हो जाती है। मीन्स पीसीओडी का जो एकदम डिजीज जो है ना, एक डिसऑर्डर जो है, डिसऑर्डर जो होता है वो सिर्फ हमारी कंसीव करने के पहले तक ही है, उसके बाद नहीं है। अब इस चीज से एकदम टेंशन फ्री हो जाइए कि पीसीओडी आपको लाइफ टाइम तक उसको झेलना है, ऐसा नहीं है। जब आप कंसीव कर लोगे, जब आप प्रेग्नेंट हो जाओगे, उसके बाद ऑटोमेटिक ही आपका जितने भी हार्मोन्स हमारे बॉडी में जो चेंजेस होते हैं वो उस टाइम पे ही खत्म हो जाएगा और जो हमारा बॉडी पहले था वैसे ही हो जाएगा। ओके, मींस जो आपका रूटीन था, मेरे बेटे का आवाज आ रहा है, जो आपका रूटीन था पीरियड्स का वो वैसा ही आने लगेगा जब आपको पीसीओडी की प्रॉब्लम नहीं थी। तो आप इस चीज से बिल्कुल भी टेंशन ना ले कि आपको आफ्टर डिलीवरी या आफ्टर प्रेगनेंसी आपको पीसीओडी की प्रॉब्लम आनी है या नहीं आनी है। नहीं आएगी गाइस, मैं इस चीज को आपके सामने बता रही हूं क्योंकि मुझे खुद पीसीओडी की प्रॉब्लम्स थी और मैं इस चीज से काफी ज्यादा परेशान थी। पीसीओडी के लिए स्पेशली मुझे टेबलेट्स लेने पड़ते थे पीरियड्स आने के लिए, बट द ग्रेट्स ऑफ गॉड की सब कुछ ठीक हो गया और मुझे लगा कि एक छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए मैं लेके आऊं इस टॉपिक को लेके। शायद कुछ लोगों के लिए, सब लोगों के लिए नहीं बट कुछ लोगों के लिए शायद थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल करेगा। हो सकता है कि मैंने बताने में कुछ गलत बोला हो, कुछ गड़बड़ी बोली हो या मैंने कुछ फास्ट बोल दिया हो, कुछ भी हो सकता है, वो आप लोगों के एक्सेप्ट करने के ऊपर है। अगर कुछ भी अगर गलत बोला होगा, अगर आपको लगता है कि मैंने यहां पे गलत आप लोगों को बोला होगा तो प्लीज उसके लिए सॉरी और उस चीज को इग्नोर करके आप बस मेरे इस बातों को ध्यान दीजिए कि पीसीओडी की प्रॉब्लम डिलीवरी के बाद खत्म हो जाती है और आप फ्रीली इस चीज से एकदम फ्री हो जाते हैं। हाँ, लेकिन थायराइड की प्रॉब्लम कंटिन्यू रहती है। जिसको थायराइड की प्रॉब्लम है वो कंटिन्यू रहती है, वो तो नहीं, जैसे मुझे थायराइड की प्रॉब्लम है वो कंटिन्यू है। डॉक्टर ने ये जरूर बोला था कि थायराइड जो है, अगर आपका एक बेबी रहता तो भले ही आपको मैं ये टेबलेट्स खाने के लिए नहीं बोलता कि आप लीजिए, बट अब लेना पड़ेगा, अब क्या करें। अब एक बार थायराइड हो गया तो थायराइड तो ऐसी बीमारी जो आपको सबको पता है कि वो तो नहीं जाने वाली भाई, आप कुछ भी कर लो उसका लेवल हाई या डाउन हो सकता है बट कम्प्लीटली नहीं जा सकता। तो गाइस, बस ये छोटे से वीडियो के साथ मैं आपके साथ आई थी। आई होप मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज 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 सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, कमेंट कीजिए एंड लाइक कीजिए। और अगर हाँ, और आप लोगों को कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छे 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 टॉपिक्स ला सकूं। और आई होप कि जो मैंने फेस किया है वो शायद मतलब अभी का टाइम एक ऐसा है कि ये सब चीजें तो कॉमन हो गई है, हर कोई फेस कर रहा है, तो जो मैंने फेस किया, मैंने मेरा एक्सपीरियंस जो आप लोगों के साथ में शेयर किया और भी बहुत सी चीजें हैं जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहती हूँ। आई होप कि मैं जब शेयर करूंगी ना तो आप लोगों को मेरा वीडियो शायद थोड़ा भी अच्छा लगे, तो अच्छा लगेगा ना तो प्लीज आप लाइक कर दीजिए मेरे वीडियो को। अगर गड़बड़ कर रही होंगी तो प्लीज यार इग्नोर कीजिए क्योंकि ये तो अभी मेरा स्टार्टिंग का वीडियो है। अगर आप लोग मुझे बताओगे कि ऐसे नहीं ऐसे बनाओ तो मैं वैसा ही बनाऊंगी। ओके गाइस, तो चलिए फिर टेंशन फ्री हो जाइए, कंसीव होने के बाद आपकी पीसीओडी जो है वो छूमंतर हो जाएगी। तो रेडी रहिए हर चीज के लिए, आई होप सब कुछ ठीक होगा। जिसको भी पीसीओडी की प्रॉब्लम है सब कुछ सही हो जाएगा, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, आराम से रहिए, मुझे देखिए,
मेरी सब कुछ प्रॉब्लम इस चीज को लेके सॉल्व हो चाहिए। थायराइड की प्रॉब्लम है जो कि मेरा टेबलेट्स कंटिन्यू है, वो तो नहीं खत्म होने वाला है। तो बस फिर मेरे बेटे की आवाज आ रही है, आप लोगों को सुनाई दे रहा होगा, वो बार 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 वो जग रहा है, सोया नहीं है। सो बस गाइस, ये छोटा सा वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आई थी, आई होप आप लोगों को अच्छा लगे। प्लीज अब मैं ज्यादा टाइम आप लोगों का वेस्ट नहीं करती हूं, बस मुझे बताना था ये चीज, सो मैंने आपको बता दिया। तो चलिए मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के टाटा बाय बाय, लव यू।